नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 27 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 12:57 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12 से लेकर दोपहर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा करीबन संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ लाभ योग, हर्षल के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग, और शुक्र और हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य स्थान में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा लाभ योग और नवपंचम योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ आप ही के राशि में स्थित हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो आपके लिए जो आज का दिन है, काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। उस दो मामलों में, मतलब रिलेशनशिप के मामले में भी, अगर आपकी शादी हुई है या फिर आप किसी के प्रेम में हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या फिर प्रेम के जो जोड़ीदार होंगे, उनसे आज आपकी बहुत अच्छी हार्मनी हो सकती है। जो भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम चल रहे थे, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी, अगर कुछ दिक्कतें आई थी, अगर कुछ अड़चन हुई आई थी, तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, वो सभी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम है, उससे आज आप बाहर हो जाएगा। आज आपका जो मूड होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। उसी प्रकार आज कहीं बाहर जाने का प्लान भी आप तैयार कर सकते हो, या फिर किसी लंबी यात्रा पर भी आप निकल सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनसे भी आज के दिन मेलजोल हो सकता है, कुछ अच्छी गपशप हो सकती है, उनसे आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके वैय भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके वैय भाव का जो हर्षल है, वह हर्षल लाभ योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है, दिन काफी नॉर्मल बीतेगा। जो भी स्ट्रेस या कॉम्प्लिकेशन आपने पिछले एक दो दिन में देखे थे, वो आज के दिन पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई देंगे। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है, तो आपके जो इन-लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे आपको कुछ मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, या फिर उनके साथ जो संबंध है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आज के दिन आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ जो बोलते हैं वो हो सकते हैं। अगर आप अपने, मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, तो वह उस प्रकार के जो लाभ, जिसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लाभ, वो आज के दिन आपको कंपल्सरी मिल सकते हैं। तो आज का जो दिन है काफी अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण, और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है, वह शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। दो तीन मामलों में, अगर आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप किसी के प्रेम में हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या फिर प्यार के जो सहयोगी होंगे, उनसे आज आपकी बहुत ही अच्छी हार्मनी दिखाई देगी। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे, वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आज आपका जो मूड होगा वो काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनसे भी आज आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। और जो लोग, मतलब किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी जो आज का दिन है काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। उसी प्रकार जो मिथुन राशि के व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं, तो उनके लिए भी दिन काफी लकी डे साबित हो सकता है। आज आप जो भी ट्रेड करोगे वो शुभ साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार खास करके जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी जो आज का दिन है काफी अच्छा हो सकता है। उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनसे आज आपको अच्छी मदद मिल सकती है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही का अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा
नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां होगी वो काफी अच्छी होगी, आपके काम की सराहना भी होगी। उसी प्रकार मतलब आपके अहदे के थोड़े निम्न स्तरीय जो लोग होंगे उनसे आपको अच्छी तरह से आज के दिन मदद मिल सकती है। तो दिन काफी अच्छा है, जहां पर आप बिजनेस करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां वो भी काफी अच्छी होगी। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनसे भी आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, उनसे तालमेल आज आपका अच्छा हो सकता है। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो दिन अच्छा होगा। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आपकी सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की मतलब लेजीनेस वगैरह नहीं देखना, थोड़े से सावधानी बरतना आवश्यक है। आने वाले करीबन 4 से 5 दिनों में ये बात रहेगी, थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके भाग्य भाव के हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो दिन आपके लिए काफी अच्छा है, काफी शुभ है। जो भी काम आपके हुए रुके हुए थे जिसे हम बोलते कि लक फैक्टर होना थोड़ा जरूरत है या फिर आवश्यक है, तो वो जो लक फैक्टर होगा वो आपको आज के दिन जरूर दिखाई देगा। अनएक्सपेक्टेड लाभ आज के दिन आपको मिल सकते हैं। और जो भी काम में आप लगे हुए थे पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से, तो वो काम आज के दिन पूरे हो सकते हैं। मतलब आने वाले करीबन 3-4 दिनों में ऐसी कोई घटनाएं घट सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छी साबित हो सकते हैं। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। और जो महिला वर्ग है या फिर जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है, खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपका अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज के दिन आप थोड़ा बहुत आराम करना पसंद करोगे, मतलब घर पर रहना या फिर दिमाग को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आज के दिन आप नहीं करोगे, थोड़ा बहुत शांत रहना पसंद करोगे। हालांकि आपके जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचते रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा आप शांत रहना ही पसंद करेगा और वो जो परिस्थिति वो आपको मिलेगी भी, तो इसीलिए आज आपका जो पूरा दिन है पूरी तरह से निश्चिंतता पूर्वक जाएगा और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस नहीं आएंगे। जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो महिला वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो दिन काफी अच्छा होगा। जो जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से काम आपके होने वाले हैं आज। और आपके जो कुटुंब के जो मेंबर्स नहीं रहेंगे, फैमिली के जो मेंबर्स रहेंगे उनसे भी आज आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, दिन काफी अच्छा है। और विद्यार्थी वर्ग के बारे में भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा ही बीतने वाला है। उसके बाद की जो राशि है यह है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में से हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो दिन आपके लिए काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। जिस विषय पर काम करते हो उसके बारे में कुछ नए आइडियाज वगैरह आ सकते हैं। वो जो विषय है मतलब कोई भी अगर प्लान्स हो वो किस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर करना चाहिए उसके बारे में कुछ सकारात्मक परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। अगर आप किसी अच्छी खबर के लिए राह देख रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए हो या फिर कोई ऐसी बात ईमेल के लिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी ऐसी बात के लिए आप सोच रहे हो तो वो आज के दिन हो सकती है। आज आपका दिन वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। मतलब कई जो मतलब अगर आप किसी काम के पीछे पड़े हो और वो काम अगर आज आप, मतलब अगर आपको शुरुआत करनी है तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो काफी अच्छा और काफी बेहतर दिन आपके लिए होगा, खास करके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। आज आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाए तो वो उसे सिलेक्ट करना, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे, उसके जो सकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में मिलेंगे। उसी प्रकार आपके घर के जो मामला थे वो भी काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो आज का आपका जो मूड होगा वो काफी अच्छा होगा, खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए अगर देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है। जो भी आपके मांगे हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित
शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन आपका होगा आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं। अभी ये जो लाभ है वो पैसे से रिलेट होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कई लाभ है जो कि प्रत्यक्ष पैसे से रिलेट नहीं करते, लेकिन अगर वो आपको हो गए तो दिन आपका काफी अच्छा हो जाता है, मूड आपका काफी अच्छा हो जाता है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी मदद आज आपको मिल सकती है तो उसके पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी विषय पर काम करते हो तो उसके बारे में कुछ सकारात्मक परिणाम या फिर कुछ अच्छे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। महिला वर्ग के लिए बारे में अगर देखा जाए, गृहिणी वर्ग के लिए बारे में अगर देखा जाए तो आपकी सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज आपका जो दिन होगा थोड़ा बहुत अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ सकता है, उनकी जो मांगे हैं वो आज आपको पूरी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा विचार भी करोगे, आपका मूड भी इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनका अगर मूड अच्छा होगा तो नॉर्मली आपका भी अच्छा हो जाता है, तो वही बात आज आप एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे। तो थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके मांग पर, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन काफी अच्छा ही साबित होगा। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा होगा, और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के लेजीनेस आज के दिन नहीं दिखाना, दिन वैसे अच्छा ही बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपी के राशि में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, आपी के राशि के में स्थित शुक्र के साथ आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार जो चंद्रमा आपके लाभ भाव में है और आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह नव पंचम योग आने के त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो लाभ के बारे में आज आपका दिन काफी अच्छा है। किसी लाभ के बारे में अगर आप सोच रहे हो, मतलब जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष लाभ आज आपको हो सकता है, तो दिन काफी अच्छा है। और आपके जो पुराने फ्रेंड्स रहेंगे, खास करके जो फीमेल फ्रेंड रहेंगे, उनसे आज आपकी गपशप हो सकती है, कुछ अच्छी आपकी वार्तालाप हो सकती है, उसकी वजह से आपका जो मूड होगा काफी अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से पूरा दिन है आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन देखा जाए तो काफी शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, आपके वैया भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपका दशम भाव का जो शुक्र, आपके वैया भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके दशम भाव के चंद्रमा के साथ लाभ योग करने जा रहा है, तो दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। जहां पर आप काम करते हो वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है, कुछ अच्छे आइडियाज आप करियर में ला सकते हो। अगर कुछ ऐसे इंट्यूशन या फिर आइडियाज आपको मिलते हैं तो उसे जरूर इंप्लीमेंट करना, भविष्य में जाकर वो आपके लिए सकारात्मक ला साबित हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन नहीं आएंगे। आज आपका जो दिन होगा खास करके फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। जो गृहिणी वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 27 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।